हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को घर में हम कौन सी एक्टिविटी करवाएं। तो मैंने यहाँ पे 2 मैट लिए हुए हैं और बच्चे को हम बोलेंगे कि 1 जब आप जंप करोगे, आगे आओगे, तो आपने दूसरे मैट को आगे लेके आना है और फिर आपने जंप करना है। तो इस तरह से बच्चे का क्या, इससे बच्चा क्या बैलेंस भी बनाता है और ये बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल है जिसमें उसकी हॉल बॉडी जो है वो वर्क कर रही है। तो इस तरह से हम बच्चे को बिजी रख सकते हैं घर में ही एक्टिविटी करवा के। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, इसमें हम क्या करें, मैंने पिलो कवर लिया हुआ है और उसमें बच्चे को बोलेंगे कि आपने ये क्या करनी है, सैक रेस करनी है। तो ये फिनिश पॉइंट है और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पिलो कवर लेके इस तरह से बच्चा जंप करेगा तो बच्चे को बैलेंस करने आ जाएगा और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करेगा। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, इसमें हमने ये मैट लिया हुआ है और इसमें हम बच्चे को बोलेंगे कि अपने टॉय को रखोगे और उसको इस तरह से आप घुमा सकते हैं, मतलब कि वहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई फिनिशिंग पॉइंट रख दो कि आपने अपने टॉय को वहाँ से लेके आना है, लेकिन ऐसे उठा के नहीं लेके आना है, आपने इस मैट पे रखना है। तो इस तरह से बच्चा जो है वो बैलेंस बनाना सीख सकता है कि कोई भी चीज़ को उसके पास दे दो, बच्चे को बैलेंस करना आना चाहिए। तो इस तरह से हम बैलेंस सिखा सकते, करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी में है, इसमें हमने टॉयज रखे हुए हैं लाइन से और बच्चे को हम एक बास्केट देंगे कि आपने ये टॉय को उठाना है और अपनी बास्केट में रखना है। तो इस तरह से हम टाइमिंग भी लगा सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके से करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टॉयज रखी हैं, फ्रूट्स भी रख सकते हैं कि आपको उठाना है और वो खाना है। जैसे आप बनाना कट करके, अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम इस तरह से एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो जैसे ये टॉय उठा रहा है तो आप बनाना को कट करके रख सकते हैं कि आपने ये छोटे पीसेज जो हैं वो आपने फिनिश करने हैं और देन आपने फिनिशिंग लाइन में जाना है। तो इस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि आपने जब खेल लेना है उसके बाद आपने अपने टॉयज जो हैं वो इस तरह से बास्केट में रखने हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी में है, वो मैंने शेप्स रखी हैं और डिफरेंट शेप से क्या होगा कि बच्चा रिकॉग्नाइज डिफरेंट शेप को रिकॉग्नाइज भी कर पाएगा। और अगर आप कलर का करना चाहते हो तो कलर का भी कर सकते हैं। तो मैं शेप्स का कर रही हूँ कि आपने सर्कल शेप पर जंप करना है, नेक्स्ट शेप पर वेरी नाइस, वेरी गुड, वन मोर, यस, टर्न एंड जंप, वेरी नाइस। तो इस तरह से आप जो भी आपके सर्कल हैं उस पर जंप करवा सकते हैं आप बच्चे को। अभी मैंने बच्चे को बोला कि आपने ऑरेंज शेप पे, वेरी गुड, हाँ ऑरेंज जो है वो आप ऑरेंज कलर का भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल का भी बोल सकते हैं, आप कलर का भी कॉन्सेप्ट करवा सकते हैं इसमें। मैंने शेप्स और कलर दोनों का करवा दिया है। तो आप इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है जिससे बच्चा रिकॉग्नाइज भी कर लेगा। सो हम प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरह से हम खेल में पढ़ाई करते हैं, तो बच्चा बोर भी नहीं होगा और वो सीख भी जाएगा।